अभी हमें करंट मार्केट पे इस पे गैलेक्टिको के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या फ्यूचर होने वाला है इस स्टॉक का, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के अंदर क्या टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्या ये स्टॉक फ्यूचर के अंदर एक मल्टी वेगर स्टॉक बन सकता है, डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर इस वीडियो से आपका कुछ भी फायदा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी हम आपसे इस स्टॉक के ट्रेंड के ऊपर डिस्कशन करें, अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, 50 डे एवरेज वॉल्यूम है 4,42,000 का, हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा खराब अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर अभी मैं आपसे इस स्टॉक के रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर डिस्कशन करूं, 1 मंथ के अंदर 29% के नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिए, 1 ईयर के अंदर 90% के नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिए, और 5 ईयर के अंदर 600% के पॉजिटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दिए। अगर अभी मैं आपसे इस स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बात करूं, 94 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, रिटर्न ऑन इक्विटी आप यहाँ पे देख सकते हैं 33% का है। जून 2022 के अंदर इनकी सेल्स थी 5.9 करोड़ की, वो इंक्रीज होके 6.6 करोड़ की होगी 23 के अंदर, 12% की ग्रोथ हमें सेल्स के अंदर देखने को मिली है। लेकिन क्या अभी हमें लोअर सर्किट के अंदर इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप यहां पे देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग है 58% की, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है 40% की, और अदर है 1.27% के। बहुत ज्यादा खराब शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर अभी हम आपसे इस स्टॉक के शेयर कैपिटल के ऊपर बात करें, 14 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल है कंपनी के पास, रिजर्व है 2.81 करोड़ के, कंपनी के ऊपर डेट है 2 करोड़ का, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। लेकिन अभी हमें इस स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। सर अगर आपने इस स्टॉक के अंदर ऊपर की प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 8 रुपए की प्राइस पे, 7 रुपए की प्राइस पे, अभी आपको इस स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, और अगर आपने नीचे के लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कौन से ऐसे लेवल है जिसको ये क्रॉस करने के बाद अपसाइड में आपको एक अच्छा बाय देखने को मिल सकता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमें इस स्टॉक के अंदर इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट करा था, वहां से काफी अच्छा एक अप मूव देखने को मिला था, लेकिन वहां से वापस से इस स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, वहां से हमें एक कंसोलिडेशन जोन भी देखने को मिला था, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं थे कि ये स्टॉक अपसाइड के अंदर ब्रेकआउट करे। अगर अभी आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे ये स्टॉक अपसाइड के अंदर 7.90 की प्राइस को ब्रेकआउट कर देगा, 9.40 के फर्स्ट टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और अगर इस स्टॉक के लोअर सर्किट है 5.70 की प्राइस को डाउन साइड के अंदर ब्रेकआउट कर दे, ये स्टॉक वीक हो जाएगा। जो भी हमने आपके साथ शेयर करा इस ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस।